गुरु चरण में उपस्थित महानुभाव माता जी, रात्रि में पढ़ते हुए एक बड़ी ही अद्भुत घटना पढ़ने में आई। शहरों में सभी पांच पांच घर होते हैं, सभी के घर पांच पांच होते हैं, सभी का कारोबार भी अलग अलग होता है। लेकिन घटना कहती है एक कसाई और एक साहूकार का घर आपके सामने था। कसाई सुबह से लेकर के शाम तक जीवों की हिंसा करता, जीवों को मारता है, काटता है। जब उन्हें मारता है, जब उन्हें काटता है, जब उनकी क्रंदन आवाज आती है, आसपास का माहौल बड़ा ही करुणार्द्र हो जाता है। ये तो उसका बिजनेस था, ये तो उसका धंधा था। जन्म से ही उसने ये सीखा था। उसके बाप दादा भी यही काम करते थे और ये भी यही काम कर रहा था। उसके घर में सुबह से लेकर के शाम तक यही काम होता था। लेकिन साहूकार के घर में न्याय नीति व्यापार बिजनेस की आदि बातें होती थी, सत्य और सदाचार की बातें होती थी। वह अपने काम में राजी था, वह अपने घर में राजी था, वह अपने काम में राजी था, वह अपने घर में राजी था। लेकिन कहूं सौभाग्य की बात कहूं या दुर्भाग्य की बात कहूं, दोनों के ही संतान नहीं थे। न कसाई के घर में कोई संतान था और न ही शाहूकार के घर में कोई संतान था। दोनों की अपने अपने नसीब, कसाई कहां धर्म ध्यान करते हैं और साहूकार लोग कहां धर्म ध्यान छोड़ते हैं। लेकिन दोनों के यहां पे कोई भी संतान नहीं थे। कसाई ने सोचा कि जब तक हम भगवान की पूजा पाठ नहीं करेंगे, भगवान की कृपा नहीं होगी, तो हमारे घर में कोई भी संतान जन्म नहीं लेगा। इसलिए उसने भी काम काज करते हुए कुछ समय निकाला और भगवान का पूजा पाठ करने लगा। घटना को घटना के तरीके से ही समझिएगा, लेकिन हमारे यहां एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है। जहां पर जिस घर में जिस स्थान पर इस प्रकार के कर्म होते हैं वहां भगवान नहीं आते। जिस परिवार में जिस घर में इस प्रकार के कर्म होते हैं
उन्हें तो भगवान का नाम ही नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले अपने यहां क्या करते हैं, स्थान शुद्धि। क्या कहते हैं? स्थान शुद्धि। पहले अपने यहां ये बात कही जाती है, स्थान शुद्ध होना चाहिए, शरीर शुद्ध होना चाहिए, वस्त्र शुद्ध होने चाहिए, और फिर कहते कि हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए। फिर कहते कि हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए। हमारे यहां तो यही एक मर्यादा है। फिर देखो पूजा करने का कितना आनंद आता है। जब हम भगवान के द्वार पर प्रवेश करते हैं उस समय बाहर की क्रियाएं बाहर रह जाती है और अंदर की क्रियाएं अंदर होती है। बाहर की क्रियाएं बाहर रह जाती हैं और अंदर की क्रियाएं अंदर होती है। लेकिन बड़ी प्यारी घटना है, दोनों के यहां पे संतान नहीं थे। कसाई ने सोचा अज्ञानता थी, चलो भगवान की माला फिर लेते हैं, भगवान का दर्शन कर लेते हैं, धूप दीप जला लेते हैं, शायद भगवान प्रसन्न हो जाएं। हमारे घर में किसी बालक का जन्म हो जाएगा, और साहूकार तो पूजा पाठ कर ही रहा था, मंदिर भी जाता है, भगवान के प्रक्षाल भी करता है, जल भी चढ़ाता है, धूप दीप माला वाला सब कुछ करता है, लेकिन घटना क्या बनी, कसाई के ऊपर श्री गुरुमति साहब देवता प्रसन्न हो गए। कसाई के ऊपर देवता प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर के कहने लगे कि आपने मुझे क्यों याद किया, आप क्या चाहते हैं। उसने कहा कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है और मेरे यहां पे सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं तो मुझे एक संतान दे दीजिए, मुझे संतान दे दीजिए। देवता ने उसे तथास्तु कह दिया और थोड़े दिनों के बाद उसके घर में संतान पैदा हो गया, बालक ने जन्म ले लिया। खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि मैंने परमात्मा को, देवी देवता को याद किया, उन्होंने दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और आज मेरी मनोकामना परिपूर्ण हो गई। प्रसन्न हो गया। अब जो शाहूकार आदमी उनके सामने रहता था, अब उसके मन में भगवान के प्रति, अब उसके मन में भगवान के प्रति थोड़ा सा दुर्भावना पैदा हो गई कि उसने जिंदगी भर तो नहीं किया, थोड़े दिन किया, भगवान उसको दर्शन भी दिए, उसकी मनोकामना भी परिपूर्ण कर दी और मैं तो वर्षों से कर रहा हूं,
मैं तो वर्षों से कर रहा हूं, अभी तक भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, मैंने सुनी तक नहीं। उसके मन में ये भावना उत्पन्न हो गई। फिर आखिर धर्मात्मा तो उसने सोचा कि शायद मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई होगी, कोई त्रुटि रह गई होगी, इसलिए भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं, भगवान ने मेरी सुनी नहीं है। उसने और ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन भगवान उसे भी दर्शन देते, एक दिन भगवान उसे भी दर्शन देते हैं, और भगवान दर्शन देने के बाद उसे कहते हैं कि हे भक्तराज, आपने मुझे क्यों पुकारा, क्यों याद किया। उसने कहा थोड़ा सा मन में रोष था ही, उसके मन में थोड़ा सा रोष तो था ही, मैं वर्षों से कर रहा हूं, भगवान का स्मरण कर रहा हूं, भगवान का पूजा पाठ कर रहा हूं, भगवान ने इतनी देरी से दर्शन दिए। तो कहने लगा भगवान आपको मालूम नहीं, मैं इतने दिनों से पूजा पाठ करता हूं, आपके नाम का स्मरण करता हूं, और आप मेरे से आकर के पूछते हैं कि आपने मुझे क्यों याद किया, क्यों आपने मुझे बुलाया। अरे वो तो कसाई है, सारा दिन पशुओं को काटता है, आप उसके ऊपर तो जल्दी प्रसन्न हो गए, मेरे ऊपर आप इतनी समय के बाद प्रसन्न हुए, दर्शन दिए हैं, और दर्शन देने के बाद आप पूछे कि मुझे क्यों बुलाया, आपको मालूम नहीं मेरे घर में भी संतान का जन्म होना चाहिए। तो देवी देवता कहते हैं उसको, देवता कहता है बड़े मजेदार की बात है। उसने कहा अरे भले आदमी, जैसा तू है तेरा बेटा तेरे जैसे ढूंढने में मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है, जैसा तू है उस प्रकार की संतान ढूंढने में, जैसा तू है धर्मात्मा है, नित्य नियम वाला है, सदाचारी है, नीतिमान है, शीलवती तेरी धर्म पत्नी है, अरे भले आदमी तेरे जैसे बेटे को ढूंढने के लिए तो समय लगेगा, लेकिन उसके लिए तो जितने मर्जी ले ले, क्या फर्क पड़ता है। आज जब कहते हैं ना कि दुनिया में पाप बढ़ रहा है, धर्म कम हो रहा है, देखो वो कहते हैं कि इसके लिए तो मेरे पास में गई, इसके लिए कहां उसने धर्म कर्म करना, इसके लिए तो मेरे पास में बहुत है, इसके लिए मेरे पास बहुत है, लेकिन मेरे भले आदमी जैसा तू है वैसी संतान ढूंढने के लिए मुझे समय लगेगा, मेरे पास में मैं ढूंढ रहा हूं तेरे से सवाया होगा, तेरे से समाया होगा, लेकिन तू थोड़ा सा धीरज, उसके लिए तो बहुत है लेकिन तेरे लिए मुझे थोड़े से ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए आप भी और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे घर में जो भी संतान का जन्म हो, धर्मात्मा हो, माता पिता की सेवा करने वाला हो, इस प्रकार का संतान चाहिए। लेकिन हमारे यहां पर भी
बच्चों के लिए अलग अलग, संतान के लिए अलग अलग बातें कही गई। जब हम इस विषय को पढ़ते हैं, तब बातें बहुत अच्छी लगती, बहुत प्रिय लगती। प्रिय इसलिए लगती है क्योंकि उसमें दुनिया की वास्तविकता नजर आती। कुछ संतान ऐसे होते हैं जो पशु जैसे होते हैं, कुछ संतान ऐसे होते हैं जो पशु जैसे होते हैं। पशु का माता, पशु की माता पिता का संतान संबंध कब तक है? जो मगर नहीं, जब तक वह दूध पीता है, जब तक घास खाना शुरू नहीं करता। उसका संबंध तब तक है। कुछ संतान ऐसे होते हैं, कुछ संतान का माता पिता से संबंध इतना होता है जब तक उसकी शादी नहीं होती। इस प्रकार के भी संतान होते हैं। और कुछ संतान ऐसे होते हैं जो शादी होने के बाद माता पिता से दूरियां करने लग जाते, दूरियां बनाने लग जाते, चाहे घर में 25 साल तक रहा, चाहे 30 साल तक रहा, उसका असर खत्म हो जाता है। कुछ संतान ऐसे होते हैं कि जिनका माता पिता से जो विशेष लगाव होता है, कब तक होता है? जब तक उसकी शादी नहीं होती। और कुछ संतान ऐसे होते हैं, उनका संबंध माता पिता से तब तक होता है, जब तक माता पिता काम करते हैं, तब तक उनका संबंध रहता है। इस प्रकार की दुनिया में हम लोग देखते हैं। लेकिन वह संतान बड़े ही किस्मत वाले होते हैं, माता पिता बड़े ही किस्मत वाले होते हैं जिनके बेटे अंतिम समय तक माता पिता की सेवा करते, जिनकी संतान अंतिम समय तक माता पिता की सेवा करते। ये इन सब की हमारी क्या तुलना की गई। आचार्य श्री हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज कहते हैं कि दुनिया में इस प्रकार के संतान होते, इसलिए इस प्रकार के संतान को प्रारंभ से ही संस्कार दीजिएगा। ये सब आजकल का समय का दौर है और हमारे में भी ये होता है। जब शिष्य योग्य हो जाता है, गुरु जी को छोड़ देता है। जब शिष्य योग्य हो जाते हैं ना, फिर गुरु जी को छोड़ देते हैं। लेकिन चलो एक बात आपसे निवेदन करो, बच्चा पैदा होते ही बोला, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी बात है श्री प्रेम जी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी बात है। बच्चा पैदा होते ही बोला, पापा मुझे मोबाइल चाहिए।
पापा हुए हैरान, उन्होंने कहा मत कर परेशान, उन्होंने कहा मत कर परेशान, अभी तो छोटा, अभी तो छोटा, क्यों चाहिए तुझे मोबाइल। बच्चा बोला पापा भगवान को SMS करना कि मैं धरती पर सकुशल पहुंच गया। इसलिए मोबाइल छोड़ा मत करो। तुम्हारे से ज्यादा मोबाइल का यूज बच्चे करते हैं, तुम्हारा मोबाइल यूज बच्चे करते हैं। लेकिन जैसी हमारी स्थिति बनी हुई है, चलो बड़ी सुंदर बात देखते हैं। हमारे महापुरुष ब्रह्मते ब्रह्मते देह रथ, ब्रह्मते ब्रह्मते देह रथ हुआ है चकनाचूर, प्रीतम नगरी जीवरे अभी बड़ी है तू। आप देखते हैं, मालूम नहीं कितनी बार हमारा जन्म और मरण हो चुका है, अभी तक कहते कि इसका अंत नहीं आया है, कब आएगा यह भी पता नहीं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मालूम नहीं पड़ता कि हमारे कितने भोग बाकी हैं, कब तक हमें और संसार में जन्म और मरण करना पड़ेगा। शंकराचार्य जी बार बार कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरण करना। इसलिए यदि मुक्त होना है तो परमात्मा को याद किया, परमात्मा को याद किया। भ्रमते भ्रमते देह रथ हुआ है चकनाचूर, प्रीतम नगरी जीवरे अभी बड़ी है दूर। क्या मालूम है हमको? कुछ मालूम नहीं। परमात्मा का जो द्वार है, परमात्मा का जो स्थान है, वहां तक हम कब पहुंचेंगे क्या मालूम, कुछ मालूम नहीं। अब यही देख लीजिए, घूमते 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 हमारा शरीर की स्थिति क्या हो चुकी है, हमारे शरीर की स्थिति क्या हो चुकी है। इसलिए तो हमारा शरीर दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, मतलब ये चकनाचूर होता जा रहा है। ये क्या है? हमारा रथ है, ये क्या है? हमारा रथ है। तो एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं हमारे कवि लोग, देह रक्षा योग्य है निज इष्ट साधन के लिए, उसकी बात चिंता छोड़ दीजिए। देह रक्षा योग्य है निज इष्ट साधन के लिए, है असंभव कार्य सब तन की बिना रक्षा की। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है तब तक आप भगवान को याद करते रहते, कभी मत भूलिएगा भगवान को। मन भगवान के श्री चरणों में लगा रहे, तन भले ही हमारा दुनिया में रहे, तन भले ही हमारा दुनिया में रहे, लेकिन मन हमारा उस परमात्मा में लगा रहे।
तो पूज्य आचार्य श्री जी के साथ में हम बात पहुंच गए। और गुरु जी के साथ में रहते रहते गुरु जी ने उसे पढ़ाना लिखाना सब शुरुआत कर दिया। और धीरे 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 जैसे ही उसकी उम्र हो गई, महामंत्री उदयन था। उसे बुलाकर पूज्य आचार्य श्री जी ने निवेदन किया कि ये बच्चा योग्य है, इस बच्चे का भविष्य उज्जवल है, यदि ये चारित्र ले लेता है, संयम ले लेता है, तो न जाने कितने जीवों की ये रक्षा करेगा, कितने ही जीवों को अभयदान देगा। मैंने इसके जीवन को पढ़ लिया है, मैंने इसके जीवन को देख लिया है। मंत्री, सचमुच में ये बालक बड़ा ही होनहार है। माता पिता ने मुझे सहज इसे सौंपा है, इसे दिया है, अब सारी जिम्मेदारी मेरी है, अब मैं इसे चाहता हूं कि गुरु से शिष्य सवाया निकले, गुरु से शिष्य सवाया निकले। और देखो, यदि हम उनके जीवन की घटनाओं को देखते हैं, सचमुच में सवाया ही निकले, सचमुच में सवाया ही निकले, सवाया क्या उससे भी बढ़कर के निकले। गुरु जी धीरे 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 उसके जीवन का निर्माण करते जा रहे हैं। महामंत्री को जब पूज्य आचार्य श्री जी ने निवेदन किया कि इसे दीक्षा देगी, इसे दीक्षा देगी, इसे दीक्षा देगी, मंत्री जैन धर्म को मानने वाला था, उसने इनकार नहीं किया। पूज्य आचार्य श्री जी के प्रति कितना विश्वास होगा उसे, कितना भरोसा होगा। ये नहीं पूछा कि ये टावरा आप कहां से लेके आ गए, छोटा सा छोटे से बच्चे को आप कहां से लेकर के आ गए, ये कहां का है, इसके माता पिता कौन है, उनकी क्या इच्छा, उनकी क्या भावना है। लेकिन पूज्य आचार्य श्री जी ने जैसे ही उसे दीक्षा के लिए कहा, उसने सहज भाव से उस बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि जैसा भी आप कहेंगे पूज्य गुरुदेव, मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं करने के लिए तत्पर। और एक दिन, अच्छा दिन देकर के, अच्छा समय देकर के पूज्य आचार्य श्री जी ने उसे दीक्षा दे दी। पूज्य आचार्य श्री जी ने उसे दीक्षा दे दी। खंबार में उनकी दीक्षा हो गई, बड़े ठाट बाट से दीक्षा हुई, बड़े ही ठाट बाट से दीक्षा हुई। दीक्षा का बड़ा ही सुंदर मतलब है,
दीक्षा का बड़ा ही सुंदर मतलब है। दो शब्द है इसमें, दीक्षा में दो शब्द है, एक तो है दी, दी का मतलब है गुरु महाराज उसको कुछ दे रहे, यही समझिए कि गुरु महाराज उसको कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? चारित्र दे रहे हैं, संयम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? संयम दे रहे हैं, चारित्र दे रहे हैं। चारित्र को लेकर के वह क्या करेगा? दीक्षा को लेकर के क्या करेगा? चारित्र का मतलब होता है कि जो अब तक हमने कर्म इकट्ठे किए थे, जो अब तक हमने कर्म इकट्ठे किए थे उसको क्या करना है? रिक्त करना है, यानी कि क्षय करना है। क्या करना है? यानी कि क्षय करना है। चारित्र का मतलब यही होता है और दीक्षा का मतलब भी यही होता है कि गुरु महाराज उसको कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? चारित्र दे रहे हैं। चारित्र लेकर तो वो क्या करेगा? दूसरा शब्द है क्षय, दूसरा शब्द है क्षय, यानी कि क्षय करेगा। इसको क्षय करेगा, कर्मों को क्षय करेगा। इसको क्षय करेगा, कर्मों को क्षय करेगा। जो गुरु महाराज उसे दे रहे हैं उसको प्राप्त करके वह प्रमादी नहीं होगा। क्यों मगज है? प्रमादी नहीं होगा, आलसी नहीं होगा। और गुरु जी को छोड़ने वाला नहीं होगा। और आप देखो, आपसे निवेदन करूं कि जब तक बालक आपके पास में रहता है, आपकी निगाहों में रहता है, कैसा रहता है? कैसा रहता है? जब वह आपसे अलग हो जाता है, दूर हो जाता है, या दूर होने की कोई नौबत आ जाती है, उस समय आप कितना सोचते हो? ये बच्चा कहीं बाहर जाकर के बिगड़ जाए, कितना सोचते हो? जब तक माता पिता की निगाहों में रहता है तब तक तो बहुत सावधान रहता है, अनुशासन में रहता है। जब दूर हो जाता है तभी तो बिगड़ने की संभावना रहती है। इसलिए जब शिष्य भी गुरु जी को छोड़ देते हैं तभी सब उनमें विकृति पैदा होती है। एक तो होता है गुरु जी को छोड़ना और एक होता है गुरु जी जहां आदेश दे वहां पे जाना, दोनों अलग अलग बात। गुरु जी ने अब इतना भरोसा शिष्य के ऊपर हो चुका है, इतना विश्वास हो चुका है कि अब जहां कहीं पर भी जाएगा इस बात को हमेशा याद रखेगा। जहां कहीं पर भी जाएगा वापिस लौट करके आ जाएगा। ये नहीं कि छोड़ दिया सब छोड़ दिया। जैसा दुनिया में देखते हैं वैसा ही हम लोग यहां भी देखते हैं। इसलिए कुछ आचार्य श्री जी ने, आचार्य श्री
देवचंद सुरेश्वरी महाराज जी ने उसको संयम दिया, खंबात में उसने संयम ग्रहण किया। माता पिता भी प्रसन्न हैं जब उनको समाचार मिले कि पुत्र की खंबात में दीक्षा होने जा रही है। महामंत्री बड़े ही ठाट बाट के साथ में उस बच्चे की दीक्षा का आयोजन करवा रहे हैं। चारित्र लेगा, अपने भी कर्मों का क्षय करेगा, अपने भी कर्मों का क्षय करेगा और दूसरे के कर्मों को भी क्षय करने का मार्ग बताएगा। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि दीक्षा का ये भाव होता है, चारित्र का ये भाव होता है कि जो हमने स्वीकार किया है उसका उद्देश्य यही है कि हम अपने कर्मों को क्षय करें। जो अब तक हमारे कर्म इकट्ठे हो चुके हैं, निर्जरा हो क्यों मगज, उनका क्षय हो, उनकी निर्जरा हो, प्रमादी न हो, आची न हो, गुरु आज्ञा में रहे, गुरु का विनय करने वाला हो, पढ़ने वाला हो, योग्य हो। अब धीरे 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 गुरु जी उसको अपने तरीके से उसके जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप भी देखते हो, अपन भी देखते हैं, राजेंद्र जी आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं। बड़ी सुंदर एक मनोविज्ञान है, जैसे जो कमियां अपने जीवन में हम लोग देखते हैं और अनुभव करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बेटे में ना हो, तो ऐसे ही होते ना। गुरु जी भी यही विचार करते हैं कि जो कमियां मेरे में रह चुकी है, मुझे मालूम है जो कमियां मेरे में रह चुकी हैं या अभी मुझे नजर आती हैं, मेरे शिष्य में वह कमियां ना आए, दूर हो जाए। इसलिए पूरा ध्यान आप ही ध्यान रखते हो कि जितना हम नहीं पढ़ पाए, हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाते, हम अपने बच्चों को